इनके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के 15वीं मंजिल पर लगी आग, 10 लोगों की मौत, 3 घंटे बाद आग पर पाया काबू। कुवैत में रहने वाले एक भारतीय मैकेनिकल इंजीनियर ने जीता 20 मिलियन AET का पुरस्कार। मैकेनिकल इंजीनियर द्वीप ने 20 मिलियन का पुरस्कार जीता। आजादी के बाद भी हमें वही इतिहास पढ़ाया गया जिसको गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया। बर्र फुकन की जयंती समारोह में वर्ष कार्यक्रम बोले किया। वापस आएंगे कंगना समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट, मास में सस्पेंड अकाउंट वापसी पर किया था बोल, 72% लोगों ने किया था हां जवाब। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत की तारीफ की, भारत को बताया अनस्टॉपेबल, दोनों देशों के बीच जल्द साइन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। छत्तीसगढ़ में 73% तक हो सकता है कुल आरक्षण, रिजर्वेशन से जुड़े विधेयक कैबिनेट की मंजूरी, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के लिए आबादी को बनाएगा आधार। भारत की सबसे बड़ी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी के बिकने की तैयारी, कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान उत्तराधिकारी के अभाव में से बेच रहे हैं, उनकी बेटी जयंती चौहान की दिलचस्पी बिस्लरी के कारोबार में। भाजपा ने MC चुनाव के लिए 12 सीटों के संकल्प पत्र किया जारी, दिल्ली का विकास और समस्याओं का समाधान होने का किया दावा। रोजबर्ग सम्मेलन में बोले CM योगी, आज हमने ब्रिटेन को पछाड़ा, भारत बना दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में लेंगे भाग, प्रधानमंत्री की कोर परियोजना के तहत नई पहल का करेंगे शुभारंभ। बरिहार थाना क्षेत्र के ग्राम तिकरापुरा में किराना दुकान में गुटखा खाने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने अपने ही दोस्त पर कट्टे से फायर कर दिया, गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। खिचड़ी गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार को लाया गया वन विभाग की पौड़ी, नागदेव ब्रांच बीते दिनों गुलदार ने 5 वर्षीय बच्चे को बनाया था शिकार। आधुनिक कैंसर से जूझ रहे 60 साल के मरीज को मिली नई जिंदगी, पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, डायरेक्टर डॉक्टर विवेक मंगरा ने किया है। मैथू में इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर प्रार्थना सालवे का कूस में जैन में मिला शव, खेल जगत में मायूसी, जांच में श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे शंकराचार्य अभियुक्तानंद सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में रहस्यकाल पूजा की और इस दौरान भक्तों से मुलाकात की। UPSTF को मिली सफलता, तस्करी करने वाले दो लोगों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच। गुरु भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष का ट्रैक्टर पर अटक व्यक्ति घायल, घायल व्यक्ति को जबलपुर रेफर किया गया। सीएम योगी ने किया ट्वीट, जनपद आगरा गाजियाबाद और प्रयागराज में अब पुलिस कमिश्नरेट बढ़ा दी जाती है, स्मार्ट पुलिसिंग और पुलिस सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, 1 की मौत, 5 घायल, शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे सभी और सवार। पुलिस अधीक्षक चमोली के कड़े निर्देश पर SOG पैनी नजर में चढ़ा वन्य जीव तस्कर, गुलदार की खाल सहित एक गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की लगातार 5वीं हार, लेथम विलियमसन के बीच 221 रन की पार्टनरशिप, वनडे क्रिकेट टीम की इंडिया की हार से सजा जारी। अजय देवगन की दर्शन 2 ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, 7वें दिन की बॉक्स ऑफिस पर मचा रही तहलका। रणवीर सिंह की फिल्म है सर्कस का टीजर रिलीज, क्रिसमस पर धमाल मचाने को तैयार, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। पाकिस्तानी डायरेक्टर बिलाल लश्मी की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का बॉक्स ऑफिस पर बचा डंका, अब तक 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई, फिल्म फवाद खान और मजा खान की। शेयर बाजार का नया ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स 5,293 के स्तर पर बंद हुआ, निफ्टी 1,512 का नया क्लोजिंग हाई बना।